आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सद्दाम हुसैन के जीवन के बारे में जान रहे थे। बहुत ही ब्रूटल डिक्टेटर रहे हैं ये। 1979 से लगभग 2003-2004 तक ये इराक के डिक्टेटर रहे हैं। तो हम इनके बारे में पूरी चीज़ें देख रहे थे और पार्ट वन इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये उसका पार्ट टू है। कमेंट बॉक्स में मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था तो उसमें एक चीज़ लिखी थी कि कुछ लोग तो सद्दाम हुसैन को हीरो मानते हैं, जो कि कोई बात नहीं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, आप बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि रिसर्च की जहाँ तक बात है तो मैं सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं रहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बहुत ज़्यादा रेफर करता हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल है, बुक्स तो है ही इनसे रिलेटेड, लेकिन उसमें काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, काफ़ी इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल हैं, ठीक है। तो रिसर्च मेरी पूरी की पूरी रहती है, कोई भी चीज़ नहीं छूटती है। इसीलिए मैं सिर्फ बायोग्राफी नहीं, पूरी हिस्ट्री कवर करते हुए चलता हूँ, ठीक है। सोल मकसद मेरा यही रहता है कि बायोग्राफी के साथ साथ आपको पूरी हिस्ट्री पता चलती जाए वर्ल्ड की, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान इतने ज़्यादा कत्ल करता है तो उसको कोई इंसान हीरो कैसे मान सकता है। खैर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, नो इश्यूज, ठीक है। तो अगर किसी भी लेक्चर को के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से @educationconnect पे आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप जरूर पूछिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक देखा था कि 1937 में सद्दाम हुसैन का जन्म होता है और ये जब जन्म होता है तो इनके जन्म से पहले इनके पिताजी जो है इनको छोड़ के चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके बाद इनका जो पूरा का पूरा पालन पोषण है वो इनके अंकल करते हैं, खैरतुल्ला तल्फा, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा पालन पोषण करते हैं, वो सुन्नी काफ़ी सुन्नी रिलीजन के होते हैं, काफ़ी एडवोकेट करते हैं उसको। और उस समय गैमल अब्दुल नासिर ने इजिप्ट में रेवोल्यूशन लाया होता है, तो इन सबसे काफ़ी सद्दाम हुसैन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अंकल इनिशियल एजुकेशन जो है वो अंकल के यहाँ ही रह के ये पूरी अपनी करते हैं और उसके बाद फिर धीमे धीमे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो इराक में बढ़ती जाती है। अल बकर फिर 1968 में सत्ता में आते हैं और तब इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है सद्दाम हुसैन की। सेकेंड इन कमांड होते हैं पार्टी में ये, ठीक है। और इसके बाद फिर 1979 में फाइनली उनको फोर्स करते हैं कि आप स्टेप डाउन करिए और इनको पूरी की पूरी सत्ता मिल जाती है और ये हो जाते हैं इराक के प्रेसिडेंट। और अब जो है वो डार्क ईयर्स आने की शुरुआत हो चुकी है, जो काला समय है अब वो आएगा देशों पे। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे, आप पार्ट वन जरूर देखिएगा, उसमें मैंने काफी चीजें कवर की हुई है ऑलरेडी, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं। तो अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि उस समय ईरान में रेवोल्यूशन आया था। देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा इवेंट था। क्यों ये इवेंट था? 2500 साल पुरानी इन्होंने डायनेस्टी को, ये जो पर्शियन डायनेस्टी, इसके रूल को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया था। रेजा शाह पहलोव जो ये रूलर थे ईरान के और इनको सपोर्ट करता था यूएसए, ये यूएस के सपोर्ट से बने थे, तो वहां पे रेवोल्यूशन आया था। आयतुल्ला खामेनी वो इसके बाद आए थे, उनके पूरा नेतृत्व में रेवोल्यूशन था, इनको उखाड़ के पूरा फेंक दिया था, पूरा पब्लिक जागरूक हुई थी। अब क्या हुआ था, ये पूरा यूएसए सपोर्टेड थे और यूएसए किसको सपोर्ट करता था? सद्दाम हुसैन को। तो ये जो ईरान का रेवोल्यूशन था इससे पूरी दुनिया कांपी, ठीक है, अमेरिका कांपा और काफी मिडिल ईस्ट के देश भी कांपे कि जो ये रेवोल्यूशन आया है कहीं ऐसा ना हो वो हर जगह फैल जाए और सबकी सत्ता उखाड़ के फेंक दे। तो ये सब में डर बैठ गया। अरब स्प्रिंग में यही हुआ था ना, अरब स्प्रिंग में इतने सालों से जो मैंने उसका, हालांकि अरब स्प्रिंग पे मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है, तो इतने सालों से जिनकी सत्ता चली आ रही थी उनको उखाड़ के फेंक दिया था, तो ये पूरी दुनिया डरने लगी। तो इस रेवोल्यूशन को क्रश करना बहुत जरूरी था, तो इराक ने इन्वेड किया। बाद में इराक ने कुवैत को भी इन्वेड किया, ठीक है, सऊदी अरेबिया से भी इराक की कोई बनी नहीं है, करते करते रह गया इन्वेड, लेकिन किया नहीं, ठीक है। तो काफी चीजें थी। देखिए, सद्दाम हुसैन ने जो वॉर क्राइम्स किए वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ईरान को जब इन्होंने इन्वेड किया तो केमिकल बॉम्ब गिरा दिए। भैया, केमिकल बॉम्ब गिरा दिए, उससे बहुत मृत्यु हुई, कुर्दिश लोगों की काफी मृत्यु हुई, काफी जाने गई, ठीक है, ये पूरा पब्लिक है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये किसी का एजेंडा है, ये बिल्कुल हुआ है, ठीक है। बहुत लोगों की आप देख सकते हैं, लगभग 2.5 लाख इराकीज को मार दिया था इन्होंने और ये सब रिपोर्ट हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया चुप थी।
कोई कुछ नहीं बोल रहा था, यूएसए का पूरा सपोर्ट था इराक को, और वो तो लिस्ट तक देता था कि भैया देखो इन लोगों को मारना है, तुम अपना काम करते जाओ। तो सद्दाम हुसैन बड़े खुश, पूरी की पूरी सप्लाई मिल रही थी यूएसए की तरफ से, और जो पब्लिक थी वो बिल्कुल गर्त में थी, उनकी कोई अनदेखी, पूरी की पूरी तरह उनकी अनदेखी, अनएम्प्लॉयमेंट और सारी चीजें। दूसरी बात है 1977 में इजिप्ट से इनके रिलेशन एकदम बेकार हो गए। देखिए नासिर के प्रिंसिपल पे ही आए थे, ठीक है, इनके पद चिन्हों पे चलते थे, ये इजिप्शियन रेवोल्यूशन इन्होंने ही किया था, ठीक है, मोहम्मद नागोब और नासिर ने, मोहम्मद नागोब फिर पहले प्रेसिडेंट बने थे, इनको ओवरथ्रो करके फिर नासिर आ गए थे जो कि सेकंड प्रेसिडेंट इजिप्ट थे। लेकिन इनकी जब जिद्दत हुई 1970 में और जो नए प्रेसिडेंट आए अनवर सादत, उनसे किसी की खास बनी नहीं। मुअम्मर अल गद्दाफी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। नासिर जो थे वो यूनिफिकेशन चाहते थे पूरा अरब वर्ल्ड का, यूनिटी चाहते थे, थर्ड वर्ल्ड बनाना चाहते थे, इसमें मुअम्मर अल गद्दाफी भी काफी साथ थे और इवन सद्दाम हुसैन भी इसका काफी सपोर्ट करते थे। लेकिन जो अनवर सादत आए थे इनकी पॉलिसी बिल्कुल अलग थी, तो इसके चक्कर में काफी जो है कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, विचारों के कॉन्फ्लिक्ट, और जो रिलेशंस थे वो काफी बिगड़े इराक और इजिप्ट के। अब हम देखते हैं आगे, देखिए अब हम ईरान इराक वॉर में सीधे कूदेंगे। देखिए ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मोहम्मद शाह पहलवी, ये जो पूरा का पूरा इनका बहुत ही बड़ा रूल था पर्शिया का, भैया 2500 ईयर्स, ठीक है, 2500 साल से पूरा का पूरा ये रूल करते आ रहे थे, और ये वही पर्शिया है भैया जिनको मंगोल के चंगेज खान ने उखाड़ के रख दिया था। मंगोल के चंगेज खान ने इनको, उनकी भी बायोग्राफी में बहुत जल्द लेके आऊंगा, ठीक है, दोस्ती का हाथ भेजा था एक मैसेंजर के द्वारा कि हमसे दोस्ती कर लो, चंगेज खान ने पर्शिया को सर कलम करके वापस भेज दिया था। चंगेज खान का दिमाग खराब हुआ, नेस्तना नाबूद कर दिया। तो आयतुल्ला रुहले खामेनी, ये इनके पूरे नेतृत्व में ये ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था, ये पूरी दुनिया को नागवार गुजरी। सद्दाम हुसैन ने बोला चलो इन्वेड कर दो, उड़ा दो सबको, तो सद्दाम हुसैन ने ईरान को इन्वेड कर दिया, और ये पूरी की पूरी जेनोसाइडल कैंपेन रही। 8 साल तक ये वॉर चला और किसी को कुछ मिला नहीं, बहुत हालत खराब हुई थी, और इसमें काफी पूरी दुनिया, ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया चुप थी, रशिया उस समय काफी गुस्सा, मतलब काफी उसमें टेंस्ड हो गए थे इनके रिलेशन, रशिया ने भी सप्लाई देनी उस समय इराक को बंद कर दी थी, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन यूएसए का पूरा सपोर्ट था, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब सभी को ये डर था कि जो भी ये रेडिकल आइडियाज हैं ये कहीं सब जगह फैल ना जाए, क्योंकि इराक एक सुन्नी देश था और शिया का रूल नहीं आना चाहिए, जो मेजॉरिटी है जो शिया की है वो ऐसा ना हो कि उनमें ये सारे सेक्युलर और ये रेडिकल आइडियाज फैल जाएं और एकदम से रेवोल्यूशन आ जाए, इससे पहले इसको कुचल दो। तो यही चीजें हुई, उन्होंने कुचल दिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। पूरे वर्ल्ड ने इनको सपोर्ट किया, ठीक है, अमेरिका का तो सपोर्ट था ही, उसके बाद फिर यूरोप ने भी सपोर्ट किया, फिर आपका अरब पूरा स्टेट्स ने भी सपोर्ट किया, जो कि पूरा सबका इनको सपोर्ट था, और भैया डिफेंडर ऑफ द अरब वर्ल्ड कहलाने लगे ये रेवोल्यूशनरी ईरान के लिए, ठीक है, पूरा कुचल के रख दिया और हालत खराब कर दी, जो भी रेवोल्यूशन आया था सब खत्म, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आगे क्या होता है कि पूरी की पूरी जेनोसाइडल कैंपेन इनकी शुरू हो जाती है। कुर्दिस को इन्होंने जबरदस्त मारा था, इसमें एक एल नफा कैंपेन भी है, ठीक है, उसमें काफी लोगों की जाने गई थी, लाखों लाखों लोग मरे थे, और ये जो केमिकल फैक्ट्री है ये अमेरिका की हेल्प से बनाई गई थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो सालों तक ये वॉर चलती रहती है और सबके इंटरेस्ट में यही होता है कि ये वॉर चलती रहे, और फाइनली इराक जो है वो विनर के रूप में सामने आता है। इसमें अमेरिका बहुत खुश, अमेरिका और इराक बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं, सद्दाम हुसैन और यूएसए, ठीक है, जबरदस्त फ्रेंडशिप हो जाती है, और इवन जो है यूएसए हटा भी देता है इसको, जो लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होते हैं उससे भी हटा देता है, ठीक है, और काफी वर्ल्ड जो है, जो पूरी की पूरी दुनिया है, इवन फेवर में आ जाती है ये सद्दाम हुसैन के, और सद्दाम हुसैन की जबरदस्त परेड निकलती है, ठीक है, जब ये विनर साबित होता है 1988 में, 20 अगस्त 1988 में फाइनली जो है ये वॉर खत्म होता है। अब देखिए कोई भी वॉर होगा ना तो वो बिल्कुल बर्बाद कर देती है, ठीक है, इराक भी काफी कुछ बर्बाद हो गया था, बर्बाद इन सेंस पब्लिक एकदम बेकार गड्ढे में चली गई थी और काफी गरीबी, इकोनॉमिकली पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था, तो बड़ी दिक्कत इराक को भी हुई थी। ऐसा नहीं कि इराक में सब कुछ सही था, वहां पे भी काफी दिक्कतें हुई थी, इराक ने काफी कर्जा भी ले रखा था दूसरे देशों से, वो भी उसको लौटाना था, ठीक है, तो इतना आसान था नहीं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो सद्दाम हुसैन ने मतलब पूरी की पूरी परेड निकालते हैं और बड़े खुश सब कि अब तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, सबको लगता है कि ये हार्मलेस है कुछ करेगा नहीं। लेकिन 1988 के बाद एकदम से चीजें बदल गई, ठीक है, और पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो गई। ऐसा क्या हो गया देखते हैं आगे। और इसी बीच इनको काफी मतलब हेल्प भी मिल रही थी, सोवियत यूनियन, चाइना, फ्रांस एंड यूएसए, ये सब इनको सपोर्ट कर रहे थे। और फाइनली इस रेवोल्यूशन को फैलने से रोक दिया गया, सद्दाम हुसैन ने रोक दिया। और ये जो शिया प्रिंसिपल थे ये फैले नहीं, सबको डर था। देखिए क्या है ना कि जितने भी ये बड़े बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं, मैक्सिमम, सब नहीं मैक्सिमम, ये काफी प्रो वेस्टर्नर्स रहे हैं, ठीक है, काफी वेस्टर्न के सपोर्ट में रहे हैं, मतलब एक ना एक इनको पावर सपोर्ट करती रही है, तभी इतना ऊपर उठ पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए तो सबके इंटरेस्ट में यही था कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, ठीक है, कोई रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन की जगह नहीं थी यहां पे, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। लेकिन भैया आप कांटे बोएंगे तो आपको फूल तो मिलेगा नहीं, मिलेंगे कांटे। तो हालत खराब कर दी थी सद्दाम हुसैन ने जब उन्होंने कुवैत को इन्वेड किया था। कुवैत तो ऑयल हब है, ठीक है, यहां पे ऑयल जबरदस्त तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, और इन्वेड कर दिया। जलते थे तो कुवैत से, क्योंकि कुवैत भयंकर तरीके से ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा था। देखिए एक चीज और है, उस समय ना एकदम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनिंग हो गई थी ऑयल की, कुवैत ने जबरदस्त ऑयल प्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस डाउन हो गए थे। और यही फिर बाद में गल्फ वॉर के नाम से जाना गया, जिसकी वजह से भैया भारत में बहुत ज्यादा असर आया। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, भारत की इकोनॉमी को खोलनी पड़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स लाए गए, भारत की इकोनॉमी खुली, हमको काफी बोरो करना पड़ गया आईएमएफ से, हमारी करेंसी की वैल्यू भी गिरी। तो काफी चीजें उस साल हुई थी, ये बहुत ही जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था ये साल जो था 1991 में। ये 1990 1989 1990 और 1991, पूरी दुनिया बदल गई भैया। जर्मन वॉल गिरी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, और उसके बाद इंडिया में भी हमारी इकोनॉमी खुली, फिर गल्फ वॉर हुआ, तो ये सारी चीजें थी। और सद्दाम हुसैन भी बिल्कुल ही बदल गए। अब क्या हुआ था कि एकदम से जब कुवैती जो थे वो ऑयल प्रोड्यूस करने लगे, तो यहां पे इराक को भी टेंशन हुई, ठीक है। अब सद्दाम हुसैन ने बोला, पहले तो सद्दाम हुसैन चाहते थे कि जितना भी इन्होंने कर्जा लिया है वॉर में, इराकी डेब्ट है, वो माफ कर दीजिए, $30 बिलियन था लगभग, वो माफ कर दीजिए। कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं, काफी बड़ी रकम होती है। उन्होंने बोला हम नहीं माफ करेंगे, ठीक है। हो गया सद्दाम हुसैन का दिमाग खराब, पावर में चूर, ताकत में चूर, किसी की नहीं सुननी, इतना सपोर्ट था, चलो उड़ा दो सबको, इन्वेड कर दिया इन्होंने। उन्होंने बोला, जस्टिफिकेशन ये दिया कि भैया ऐसा है, कुवैत जो है वो एक हिस्टोरिकल पार्ट है इराक का। इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां से बोला कुवैत जो है वो हिस्टोरिकल पार्ट है इराक का, इसलिए हमारा हक बनता है कि हम उसको इन्वेड करें। और 2 अगस्त 1990 को इन्होंने इन्वेड कर दिया कुवैत को, और जबरदस्त स्कर्मिशेस किए, हालत खराब कर दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब क्या हुआ कि वहां पे इन्होंने पूरा का पूरा प्रोवेंशियल गवर्नमेंट तक वहां पे जाके डेवलप कर दी, ठीक है, कि भैया यहां तो हमारी है, और इन्होंने एक पार्ट भी पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। 8 अगस्त को इन्होंने ये बोला कि ऐसा है, 2 कंट्रीज मिल जाएगी और एक ही इराक बनाएगी, तो अब जो है हमारा ही है। पूरी दुनिया एकदम शॉक में आ गई, एकदम सरप्राइज हो गई कि ऐसे कैसे बिना बताए एकदम, मतलब क्या है क्या ये, मतलब कोई ऐसा क्या कहता है कि हलवा है क्या कि किसी को भी जाके इन्वेड कर दो। तो पूरी दुनिया जो थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम सकते में आ गई थी, और अब उन्होंने प्लान बनाया कि इराक और सद्दाम हुसैन को इससे ऊपर उठने दिया नहीं जा सकते, इसको दबाना पड़ेगा, वरना आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने काफी सैंक्शंस लगाए इराक पे, और ये सैंक्शंस का इराक पे असर बहुत भयंकर हुआ। जो वहां के लोग थे, देखिए सैंक्शंस मतलब होता है पाबंदी, ठीक है। आप देखिए एक चीजों में और बताना चाहूंगा कि आपको अगर आप अंटिल एंड अनलेस अगर आप गॉड गिफ्टेड कंट्री नहीं है, तो आपको काफी हेल्प लेनी पड़ती है, आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं काफी चीजें, वो मेडिकल एड हो सकती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकता है। अगर ये इस तरह के सैंक्शंस किसी भी कंट्री पे लग गए तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आप फिर इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई देश आपको देगा नहीं क्योंकि आप पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। इराक का जोग्राफिकल रीजन ऐसा है कि ऑयल तो वहां पे सही है, लेकिन बाकी चीज आप कहां से लाएंगे, ठीक है। ऊपर से उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, सद्दाम हुसैन ने शुरू में तो काफी अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद सब अपना सोचा, पैसा इकट्ठा करते गए, बाकी सब जाए भाड़ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या हुआ था कि उन्होंने सैंक्शंस लगाए और एक डेडलाइन जारी कर दी
कि 15 जनवरी 1991 तक आपको विड्रॉ करना है। कुवैत में जो जो एरियाज आपने ऑक्यूपाई किए हैं आपको वहां से हटना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटेंगे तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहिए। इग्नोर कर दी इराक ने, बोला कि ठीक है बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो, मेरा काम नहीं है सुनना। ठीक है, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। दिमाग खराब हो गया यूनाइटेड नेशंस का, कोलिशन किया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स भी इसके साथ था, 35 कंट्री का पूरा जबरदस्त प्रोग्राम था और 6 वीक के अंदर अंदर इनको खदेड़ दिया गया। इसको गल्फ वॉर भी कहते हैं। तो ये था गल्फ वॉर, हालांकि ये तो अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इनको पूरी तरह से खदेड़ दिया गया और फाइनली एक एग्रीमेंट साइन होता है और जबरदस्त सैंक्शन लगा दिए गए। तब अमेरिका को समझ में आया कि उन्होंने क्या कर डाला और क्या कर दिया। ठीक है, तो फाइनली जो टेंशन थे वो तो देखिए काफी सालों तक रहे, लेकिन कुवैत से तो इनको खदेड़ने में, इनकी आर्मी को खदेड़ने में कामयाब रहे। ठीक है, अब काफी चीजें चलती हैं इस बीच। सैंक्शन के दौरान भी सद्दाम हुसैन एक्टिव रहते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है इनसे हाथ खींच लेता है। ठीक है, 9 दिसंबर 1996 में फाइनली ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेता है सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। ये 1992 में भी इनको ऑफर किया जाता है क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस ने इराक की कमर तोड़ दी थी, हालत खराब कर दी थी इराक की, उठ नहीं पा रहे थे, पब्लिक बिल्कुल एकदम परेशान हो गई थी। तो ये जो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट करते हैं, आप हमको ऑयल दो हम आपको फूड देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बहुत जबरदस्त नजर रखी जा रही थी क्योंकि अल्टीमेटली ये सबको शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इनके पास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। और जब ये चीजें हुई थी ना तो क्या हुआ था कि अमेरिका ने भी काफी इन्वेड कर दिया था, तो यूएसए जो था वो साउथ इराक की शिया पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, तो वहां पे छोटा सा रिबेलियन भी हुआ था। उस रिबेलियन ने क्या किया था, लगभग पूरी की पूरी रिजीम को एंड ही कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से दबा दिया गया और उसमें भी काफी जाने गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। सैंक्शन जो थे वो पूरा का पूरा लगते रहते, हालांकि ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स बिल क्लिंटन ने ये जो था ये लॉन्च किया था। क्या था ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है और वही पूछूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स के बारे में जरूर बताइएगा कि क्या था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब सबको ये भी डर लगने लगा था कि ऐसा ना हो भैया कि इनके पास वेपन्स हो, यूनाइटेड नेशंस को लगता था इनके पास वेपन्स हो सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, बमबारी करो, क्लोज सर्विलेंस रखो और इन्वेड करो। कई बार इसमें इसके बाद भी और इस दौरान भी सद्दाम हुसैन को बुलाया भी गया लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। तो फाइनली अब उनको ये पता चला कि ऐसा है, अब इस इंसान से बहुत जल्द हमको छुटकारा पाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो फाइनली क्या हुआ कि इराक को वैसे तो सस्पेक्ट था ही और ये पाया भी किया कि भैया ऐसा है, इनके पास तो वेपन्स हैं। अब देखिए ये कह नहीं सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हो सकता है अमेरिका के प्रोपेगेंडा प्रोग्राम हो सकता है अमेरिका जानबूझ के उसने ये बोला हो कि इनके पास वेपन्स है ताकि वो इससे छुटकारा पा सके, क्योंकि आंख के नासूर तो बन गए थे और काफी ज्यादा इन्होंने परेशान करके रख दिया था। तो ऐसा बोला गया कि इनके पास वेपन्स है और ये कभी भी अटैक कर सकता है, इवन वो अटैक भी कर रहा है, 9/11 का भी अटैक होता है। ठीक है, इसने भी सब कुछ बदल के रख दिया। तब अमेरिका को रियलाइज हुआ कि जो हम जिनको हम पाल रहे थे, ठीक है, वो तो हम ही को ही डसेंगे। ऐसा ही होता है, आप अगर सांप को पालेंगे ना तो वो आपको ही डसेगा। कोई भी बुरी चीज अगर पनप रही है और उसको आप शह दे रहे हैं तो वो तो आपको ही आके एक दिन खत्म करेगी। और ऐसा हमेशा होता है, हिस्ट्री में ऐसा होता है और होता रहेगा। इसीलिए भैया ऐसा पाथ चूज करना चाहिए जो बिल्कुल ह्यूमैनिटी की तरफ हो, हर किसी को प्यार से रहना चाहिए, जितना हो सके सब के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तब ये दुनिया अच्छी हो जाएगी। और ऐसी दुनिया बहुत अच्छी भी लगती है। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये मास डिस्ट्रक्शन और ये वेपन्स ये सब बेकार चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका ने इन्वेड किया, ठीक है, और पूरा का पूरा कोएलिशन बना के इन्वेड किया। कुछ ही हफ्तों में गवर्नमेंट गिर गई, बगदाद पूरा का पूरा गिर गया, सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया जाता है। बंकर में मिले थे ना भैया सद्दाम हुसैन, है ना, उस समय भाग जाते हैं जब इनको इन्वेड किया जाता है, जब अमेरिका इराक को इन्वेड किया जाता है तो सद्दाम हुसैन का कुछ पता नहीं चलता, कहां डिसअपियर हो गए। लेकिन फाइनली वो बंकर में मिलते हैं, काफी डॉलर्स भी मिलते हैं उनके साथ। ठीक है, वहां से उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और सद्दाम को फिर क्या कहते हैं कि जब ये डिसअपियर हुए थे तो इनको सबसे मतलब मोस्ट वांटेड इराकी में
उस लिस्ट में सबसे ऊपर पोस्ट किया था। अब भैया इनके जो सन थे उदय और क्यूसे, देखिए उदय जो थे, मैंने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं की है, बात करूंगा भी नहीं, लेकिन इनके बेटे उदय के बारे में बताना चाहूंगा। एक मूवी आई है आई थिंक द डेविल्स डबल करके, और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है नेशनल नेट जियो चैनल पे, आप उसको बस देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा, आपका नजरिया काफी बदलेगा। वो जो एक्चुअली क्या है कि ये जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स है ये अपने बॉडी डबल्स रखते हैं। बॉडी डबल्स मतलब क्या होता है कि हूबहू दिखने वाले इन्हीं के जैसे इंसान। अब ये रखते क्यों हैं, देखिए जान का बहुत खतरा होता है, इनके उल्टे सीधे जो कारनामे करते हैं तो 110% इनको एसासिनेट करने के, इनको मारने के काफी अटेम्प्ट होंगे, तो इसीलिए वो बॉडी डबल रखते हैं ताकि अगर मरे तो वो मरे मैं ना मरूं। तो इनके बेटे उदय, ये बिल्कुल सनकी था, इसने एक बॉडी डबल रखा था, और वो बॉडी डबल ने पूरी स्टोरी बताई है कि कितना ज्यादा पागलपन करता था इनका बेटा। अब जरूर वो मूवी देखिएगा, अगर मूवी नहीं भी देख रहे हैं तो मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक बॉडी डबल करके ही डॉक्यूमेंट्री है नेट जियो पे, आप जरूर देखिएगा। लेकिन जो इनके ये छोटे बेटे थे वो थोड़े से स्टेबल थे, वो सही थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन इन सबको भी मार दिया गया, ठीक है, और पूरा का पूरा ये जो गन फाइट हुई थी ये यूएस फोर्सेस ने पूरा टेक ओवर कर लिया। फाइनली इनका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन रेड डॉन इसको नाम दिया जाता है, आप चाहें तो ये याद भी कर सकते हैं। और 13 दिसंबर 2003 का ये समय होता है, सद्दाम हुसैन को फाइनली कैप्चर किया जाता है, और उसके बाद तो फिर पता ही होता है सद्दाम हुसैन को कि मुझे मौत मिलनी है, लेकिन सद्दाम हुसैन चाहते हैं कि मुझे फांसी पे ना लटकाया जाए, मुझे गोली मारी जाए, क्योंकि वो एक डिग्निफाइड वे होगा मरने का, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। शुरू में तो वो अमेरिका की कस्टडी में रहते हैं, वो यूएस की बेस कस्टडी में रहते हैं, लेकिन फाइनली वो जो इंटरिम इराकी गवर्नमेंट होती है उनको हैंडओवर कर दिया जाता है, और 30 दिसंबर 2006 को फाइनली इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। पूरी दुनिया काफी कहती है कि ये गलत है, ये बहुत ही, क्योंकि जो डे होता है वो ईद उल अदा होता है, ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है, तो काफी कंट्रीज जो हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो थोड़ा अपोज भी करते हैं कि इस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। तो ये सारी चीजें थी, इस इतनी बड़ी रिजीम का, इतने बड़े डिक्टेटर का फाइनली एंड हुआ। भैया जैसे कर्म होते हैं वैसे ही सबको मिलता है, ये हर रिलीजन में बोला गया है और ये सच भी है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सद्दाम हुसैन के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है, बाकी आप भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करिएगा जितना हो सके। मेरा अगला लेक्चर एक बहुत बड़े इवेंट पे होगा, जो एक बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया का ही वो इवेंट था, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा काला दाग है वो भारत के ऊपर, उसमें भी लाखों लोगों की जाने गई। क्या आप बता सकते हैं मैं कौन से इवेंट की बात कर रहा हूं भारत के, जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड योर व्यूज योर कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू।